हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमोक्सिक्लेव डीएस सिरप के बारे में, जो कि एक एंटीबायोटिक सिरप है बच्चों की कई सारे समस्याओं में प्रयोग की जाती है, जो कि आगे बात करेंगे इसके बारे में। और हम बात करेंगे और किस किस प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, क्या इसका प्राइस है, कैसे यूज करना है और क्या इसका साइड इफेक्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये एमोक्सिक्लेव डीएस सिरप जो कि अबाउट कंपनी की है और इसके प्राइस की बात करें तो 60 रुपये है, जो कि 30 ml के पैक में अवेलेबल है। दोस्तों ये सिरप आपको किसी भी केमिस्ट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो यहाँ पे एक एमोक्सिसिलिन एंड पोटासियम कोलियोबिनेट, और इधर कहते हैं एमोक्सिसिलिन 200 mg, पोटासियम कोलियोबिनेट 28.5 mg अवेलेबल है। दोस्तों इस सिरप को बच्चों में प्रयोग की जाती है। चलिए हम बात करते हैं और किन किन प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। नंबर 1, ये एक एंटीबायोटिक है, कई सारे प्रॉब्लम्स में प्रयोग की जाती है। नंबर 2, बच्चों को निमोनिया हो तो उसमें दी जाती है। नंबर 3, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो। नंबर 4, स्किन इन्फेक्शन हो। नंबर 5, टाइफाइड हो। नंबर 6, बुखार हो, खांसी हो तो उसमें भी दी जाती है एंटीबायोटिक के रूप में, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है। नंबर 7, कान में इन्फेक्शन हो। नंबर 8, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। नंबर 9, चेस्ट में इन्फेक्शन हो। नंबर 10, गले में प्रॉब्लम हो, गले में दर्द हो। नंबर 11, नाक में इन्फेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में दी जाती है इस एंटीबायोटिक को। चलिए हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, कैसे करें। तो दोस्तों इस एंटीबायोटिक को डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग बच्चे एज, वेट और कंडीशन को देखकर डोज देते हैं। जैसे कि 10 से 12 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है, दिन में एक बार 3 से 5 दिनों तक। पानी को गर्म कर लीजिए, गर्म करने के बाद ठंडा कर लें और ठंडा पानी इस निशान तक डाल लें। बाकी कंडीशन को देखकर 7 दिनों तक दी जाती है। बाकी डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डोज को घटाते भी है और बढ़ाते भी है, और इसको खाने खाने के बाद भी दे सकते हैं और खाने खाने से पहले भी दे सकते हैं। तो आपको इसी तरह यूज करवाना है बच्चों को, जो कि डॉक्टर खुराक दें उसके हिसाब से ही प्रयोग करवाना है बच्चों को। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम यूज करना चाहते हैं उनका साइड इफेक्ट हमें मालूम होना चाहिए और साथ ही साथ उनकी पूरी जानकारी भी होनी चाहिए। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं इसकी प्रिकॉशन के बारे में। अगर आप ये यूज करें तो ये बातें ध्यान रखें। नंबर 1, अगर इस इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो तो यूज ना करवाएं। नंबर 2, लीवर किडनी पेशेंट को भी यूज ना करवाएं विदाउट डॉक्टर एडवाइस के। नंबर 3, ओवरडोज भी ना लें। नंबर 4, यूज करने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। चलिए हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों इस एंटीबायोटिक के कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं दिया गया है। अगर बाय द वे यूज करते वक्त इनमें से कुछ भी दिखे, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, लूज मोशन, तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, इस एंटीबायोटिक यूज करना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है दोस्तों, ये थी आज का हमारी वीडियो एमोक्सिक्लेव डीएस सिरप के बारे में। फिर मिलते हैं वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।